हेलो एवरीवन, वेलकम टू मरीन इट्यूटा मरीन इंजीनियरिंग लेक्चर्स। आज का हमारा लेक्चर है व्हाई वाटर ट्यूब बॉयलर इज यूज ऑन बोर्ड शिप। वाटर ट्यूब बॉयलर ऑन बोर्ड शिप में हम यूज क्यों करते हैं, मैं जो आज आपको आंसर बताऊंगा ये ऑल यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेड आंसर है, टेक्निकली एक्सेप्टेड बाय इंटरव्यूअर और ओरल्स। तो हमारा आंसर शुरुआत करते हैं, जो फर्स्ट आंसर होगी और जो सबसे बेसिक आंसर और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बोल सकते हैं, पावर बाय वेट रेशियो हमारा इंक्रीज होता है वाटर ट्यूब बॉयलर में। यहाँ जो पावर बाय वेट रेशियो की जो कॉन्सेप्ट्स है, जो हमारे फायर ट्यूब बॉयलर होती है और बोल सकते हैं जो स्मोक ट्यूब बॉयलर होती है, वो हमारी वेट जो जिस होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। ज़्यादा वेट होने से हमारी पावर बाय वेट रेशियो कम हो जाती है। इस टाइप ऑफ बॉयलर वाटर ट्यूब बॉयलर में हमारी वेट कम होती है, ओके। तो मटेरियल भी बहुत सारा रिड्यूस्ड हो जाती है, लाइक रिफ्रैक्ट्री की जो यूज होती है हमारी वाटर ट्यूब बॉयलर में वो बहुत डिक्रीज हो जाती है। अगर हम बात करें तो रेडिएंट हीट टाइप ऑफ बॉयलर की, तो वहाँ रिफ्रैक्ट्री यूज बहुत ही कम होती है। तो हमारा पावर बाय वेट रेशियो इससे हमारा इंक्रीज हो जाता है, और ये हमारा फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारी रीजन होती है जिसके लिए हम वाटर ट्यूब बॉयलर प्रिफर करते हैं। सेकेंड हमारा आंसर है स्ट्रेस इज इक्वल टू पी डी बाय टू टी होती है हमारी। स्ट्रेस इज इक्वल टू पी डी बाय टू टी। तो हमारे जो डिजाइन जो होती है वाटर ट्यूब बॉयलर जो डिजाइन होती है, ये हमारी हाई प्रेशर के लिए डिजाइन की जाती है। मींस सुपर हीटेड स्टीम प्रोड्यूस होती है हमारी वाटर ट्यूब बॉयलर से। जो सेचुरेटेड स्टीम जो प्रोड्यूस होती है उसकी टेम्परेचर 600 टू 650 डिग्री सेल्सियस होती है, फर्दर ये सुपर हीट होती है। तो हाई प्रेशर अगर होगी तो थिकनेस को डिक्रीज करने के लिए हमें डायमीटर भी डिक्रीज रखना पड़ता है। तो इससे जो हमारा होता है स्मॉल साइज हमारा होता है, जिससे हमारा पावर बाय वेट रेशियो भी हमारा इंक्रीज होता है। तो ये मेरा एक अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। थर्ड फैक्टर, हीट ट्रांसफर मोर हो जाती है हमारी वाटर ट्यूब बॉयलर में, हीट ट्रांसफर ज्यादा होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। क्यू इज इक्वल टू के इंटू डी थीटा बाय डीटी, ये हमारी मोड ऑफ कंडक्शन होती है और हीट ट्रांसफर ये हमारी फॉर्मूला होती है। सपोज मैंने यहां बताया जो हाई प्रेशर के लिए हमें थिकनेस कम रखने के लिए हमें डायमीटर कम रखनी पड़ती है, मींस हमारा थिकनेस भी कम होती है। तो ड्यू टू ये जो फॉर्मूला है, ये हमारा क्यू हाई ट्रांसफर, ये क्यू जो है हीट ट्रांसफार्मर है, एंड डी टी जो है हमारा थिकनेस है। तो अगर थिकनेस कम होगी तो हमारी हीट ट्रांसफर भी ज्यादा होगी। तो हमारी थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं इसे भी हम रीजन आपको बता सकते हैं, ओके। फोर्थ रीजन, और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन है, और ये सी ओनर के लिए इम्पोर्टेंट रीजन है। क्यों? सी हमारा वेट कम हो रही है, लाइट वेट है, तो लाइट वेट के चलते जो कार्गो कैरिंग कैपेसिटी होगी वो भी इंक्रीज होगी। मीन्स हमारा कार्गो कैरिंग कैपेसिटी हमारी यहाँ इंक्रीज हो रही है। तो हमारा फोर्थ रीजन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ड्यू टू स्मॉलर साइज, तो जो हमारी एरिया जो कवर करेगी वो लेस एरिया कवर करेगी, तो हमारी कार्गो कैरिंग कैपेसिटी भी हमारी इससे इंक्रीज होगी। नाउ जो हमारी वाटर ट्यूब बॉयलर जो होती है इसमें स्मॉल डायमीटर एंड लार्ज नंबर ऑफ ट्यूब्स होती है। स्मॉल डायर ट्यूब्स यूज होती है और लार्ज नंबर होती है। और जो अदर टाइप ऑफ बॉयलर होते हैं लाइक स्मोक ट्यूब बॉयलर, तो वहां पर लार्ज डायमीटर ट्यूब यूज होती है एंड स्मॉल नंबर होते हैं। तो जो हीट ट्रांसफर जो होता है वो स्मॉल डायमीटर ट्यूब लार्ज नंबर में ज्यादा हीट ट्रांसफर होता है एज कंपेयर टू लार्ज डायमीटर ट्यूब स्मॉल नंबर में। तो ये हमारा फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी हम बोल सकते हैं हमारी ये रीजन होती है। नाउ सिक्स्थ रीजन कि अगर हम बात करें प्रेशर रेंज, जो वाटर ट्यूब बॉयलर जो होती है उसकी रेंज, प्रेशर रेंज जो होती है वो वाइड होती है। ये जो हमारी इसकी प्रेशर रेंज होती है 7 bar टू अप टू बोल सकते हैं 225 bar, हमारी डिफरेंट वाइड रेंज तक हमारी यूज होती है। 220 bar से जो नीचे जो होती है वो हमारी ड्रम टाइप ऑफ वाटर ट्यूब बॉयलर होती है, और जो सब क्रिटिकल टाइप ऑफ वाटर ट्यूब बॉयलर होती है। जो 221 bar या 225 bar जो होती है ये हमारी सुपर क्रिटिकल हमारी बॉयलर्स होती है, यहाँ पर ड्रम प्रेजेंट नहीं होती है।
यहाँ पर हम बोल सकते हैं ये वाटर ट्यूब बॉयलर एज ए ऑक्सिलरी पर्पस के लिए भी यूज हो सकता है। अगर हाई प्रेशर वाटर ट्यूब बॉयलर है तो हमारा प्रोपल्शन सिस्टम से भी यूज हो सकता है और हम फर्दर इसे डी सुपर हीट करके ऑक्सिलरी पर्पस के लिए भी यूज ला सकते हैं। तो हमारी जो प्रेशर रेंज जो होती है वो हमारी बहुत वाइड होती है वाटर ट्यूब टाइप ऑफ बॉयलर में। ओके नाउ सेवेंथ रीजन इज वाटर ट्यूब बॉयलर इज एबिलिटी टू जनरेट सुपर हीटेड स्टीम, एबिलिटी टू जनरेट सुपर हीटेड स्टीम। ओके तो ये हमारी ये कैपेबल होती है सुपर हीटेड स्टीम जनरेट करने की। और इससे क्या होता है हमारी इन जो मैंने जो जितना रीजन बताया इससे हमारी क्या होती है ओवरऑल इफिशियंसी हमारी इंक्रीज हो जाती है अगर बॉयलर में हम वाटर ट्यूब बॉयलर की बात करें तो। और जो मैंने वेट बताया था जो फर्स्ट हमारा पॉइंट पे जो वेट बताया था वो हमारी 3:1 के रेशियो में होती है। मीन्स इसको स्टोव टाइप ऑफ बॉयलर 3 times हैवियर हमारी वाटर ट्यूब बॉयलर से होती है। तो ये मैंने आज का आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताया हमारा जो वाटर ट्यूब बॉयलर ऑनबोर्ड शिप में यूज होती है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। आपको लगता है इस लेक्चर में कहीं आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट कमेंट कर सकते हो। एंड आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।